आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दौरहरा सांसद रेखा वर्मा के आवास पर पहुंचे। रेखा वर्मा की स्वर्गीय पति अरुण कुमार की याद में अखंड पाठ व भंडारे में शामिल हुए और स्वर्गीय अरुण कुमार श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने बताया, उत्तराखंड में चुनाव के दौरान जो हमने संकल्प लिया था, उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोटा को लागू करेंगे। नई सरकार का गठन होने के बाद हमने उस पर काम शुरू किया है, जल्द ही काम पूरा हो जाएगा और उत्तराखंड की सरकार इसको लागू कर देगी। उन्होंने स्वर्गीय अरुण कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, स्वर्गीय अरुण कुमार हमेशा जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम किया है, हमेशा वह जनता के लिए संघर्ष करते थे। हमने जब हमारा चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय में हम सब लोगों ने यह संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे और उसके लिए हमने जनादेश जनता ने दिया है। और नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहले अगर हमने कोई काम किया तो पहली बैठक में हमने रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वह कमेटी अपना काम कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है, ड्राफ्ट बना रही है, जन संवाद कर रही है, स्टेक होल्डरों से बात कर रही है। और इसके पीछे हमने जो कारण दिया था, जिसके कारण से हम उत्तराखंड में इसको लागू करना चाहते हैं, उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, यह गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, देवों का प्रदेश है, चारों धाम हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ जी हैं, हमारे देवी देवताओं का स्थान है। और प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर अपनी सेवाएं देता है, किसी के घर से बेटा देता है, बेटी देती है, किसी के चाचा देते हैं, किसी के पिताजी देते हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो सेना या अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवा न देते हों। इसके साथ साथ दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी प्रदेश है। तो ये हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया और हम उस पर काम आगे कर रहे हैं, तेज़ी से सबके सुझाव भी ले रहे हैं और जल्द ही हमारा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा और उत्तराखंड की सरकार इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। देखिए, वो कुछ उसमें इस प्रकार का है कि कुछ संशोधन होने हैं, कुछ उसमें और भी जो संशोधित सूची होनी है, जल्दी ही उसको संशोधित करके सबसे बात करके एक जो ज़रूरत है उसके अनुसार जल्दी ही सूची प्रकाशित करेगी। मैं स्वर्गीय अरुण जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया, जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम करा। वो जनता के लिए हमेशा संघर्ष करते थे, जनता के लिए हमेशा उनका जीवन लगा रहता था, परिश्रम करते थे और अब उनको आज के अवसर पर श्रद्धांजलि है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और यह भी चूँकि उनके श्रद्धांजलि के अवसर पर यहां पर बहुत शुभ कार्य रामचरितमानस का हो रहा है, ऐसे समय में जहां पर रेखा जी जो इस क्षेत्र की सांसद हैं, उन्होंने उनके देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।